मेरा अनुरोध कार्य कर रहे हैं श्री योगेंद्र गौड़ जी। आइए
आप भी हेलो क्या सत्य का देवी सेवा की संचालिका है और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ती हैं, उनका स्वागत करने के लिए श्री काकी शंकर जी उसकी पत्नी होती है। एक सफल पुरुष की पीछे उसकी पत्नी होती है, पर एक सफल सम्मान जो है वो तालियों के साथ करें। जीवन इन्होंने इतना बढ़िया तो पत्थरों से ही सीमेंट से और अपनी भूल सुधार कर रही है। और जब श्री भूषण चौहान जी का हालय पढ़कर स्वागत कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे लंच क्लब परिवार 157 मेंबरों का परिवार है और हम सब मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। ये भवन भी हमारी लंच क्लब का ही देन है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मात्र एक छोटा सा सिपाही हूँ। हमारे बड़े भाई अतुल गर्ग जी, जबकि गाजियाबाद में कोई भी यहाँ ऑडिटोरियम नहीं था तो उन्होंने एक सुंदर सा हमें ऑडिटोरियम दिया हिंदी भवन, जो हमारे आज की तारीख में बहुत काम आता है। आपके साहित्य के सभी तरीके के प्रोग्राम उसमें होते रहते हैं, उसी की प्रेरणा को लेकर के हमने इस भवन का निर्माण कराया था। उसमें यह था कि हम भी गाजियाबाद में इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज, कोई भी काव्य गोष्ठी, काव्य प्रोग्राम, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम हो तो हम भी उसमें गाजियाबाद की सेवा कर सकें। सभी मंचासीन अतिथिगण और सभागार में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार, मेरे मित्र श्री भूषण चौहान जी, प्रदीप अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, भाभी जी साहब मेरे कैरेक्टर पर पधारे, श्री नरेश जैन जी भी अभी दिखाई दिए हैं, सभी सम्मानित का स्वागत करते हुए गीता का जो परंपरा रही है वार्षिकोत्सव की, इस बार का वार्षिकोत्सव पूर्व वर्षों से बेहतर रूप ले रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। जैसा कि सबने बता चुके हैं, मुझसे पूर्व वक्ता ने सभी ने बताया कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग जी ने इस पौधे को लगाया था और इसको सींचने में श्री राजीव सिंगल, अखिलेश खरे, डॉक्टर बी एल गौर, कुंवर बेचैन साहब, कृष्ण मित्र जी और गाजियाबाद के डॉक्टर रमा सिंह हैं, मधु भारती जी हैं, कपलेश्वर कमल जी हैं, डॉक्टर धनंजय सिंह और बहुत सारे नाम हैं जो दिए जा सकते हैं। गाजियाबाद साहित्यकारों से भरा पड़ा है, वही महसूस करते हैं खरेश करदे मोहब्बत की, जो अपने आप से बढ़कर किसी से प्यार करते हैं। तो हमेशा चाहे उनका इशारा हो, चाहे उनका ये दिया है और आज हमारे बीच वो उपस्थित है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये गीता का वार्षिक उत्सव मैं समझता हूँ कि विशेष प्रकार का इस बार है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं की गई हैं। गीता का अस्तित्व, गीता को अस्तित्व में लाने के लिए हमारे संयोजक संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी बराग जी का स्मरण किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस संस्था को उन्होंने अस्तित्व दिया और इसको आगे बढ़ाया। इनके ही अथक प्रयासों का ये प्रतिफल है कि आज गीता भवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है और जिसका देश में ही नहीं अपितु समुद्र पार भी यशोवान हो रहा है। आदेश हुआ कि विशेष कविता को मैं आपके सामने रखूं। एक थोड़ी सी बात जो मेरे साथ चलती है वो ये है कि मैं गौर संघ का चेयरमैन हूं और मैं चाहते हुए भी वो बात मेरे संगी साथी सभी लोग कहते हैं, तो पहले दो लाइन में उसके बारे में कहूँगा कि लोगों को ये भ्रम होता है कि जो आदमी पत्थरों में खेलता है, पत्थरों में काम करता है, सीमेंट ईंट गारे में रहता है, वो क्या कविता लिखता होगा। तो मित्रों, एक दो लाइनों पर देखिएगा आप कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है,
समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट ईंट पत्थर रेत में भी प्रमाण होता है। एक और चार महीने हैं कि बड़ा भ्रम लोग पाले रहते हैं और बड़ी एक समय था मैं भी उस हीन भावना से ग्रस्त रहा कभी जब रेलवे में मैं सर्विस करता था इंजीनियर का कि भाई ये आदमी आहूजा जी जो हैं ये बहुत बड़े आदमी हैं, अतुल जी बहुत बड़े आदमी हैं, इनके बड़े कॉलेज चलते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तो इस पर दो पंक्तियाँ देखें आप कि धूल कण तुच्छ है कंचन को गलत फहमी, धूल कण तुच्छ है कंचन को गलत फहमी है और अशुकण व्यस्त है पाहन को गलत फहमी है और गैर के रूप पर इतराने की आदत है इसे, इसी दर्प से दर्पण को गलत फहमी है, इसी दर्प से दर्पण को गलत। उसने मेरे छोटे भांजी इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी और कर्मठ का तो सबसे ज्यादा पुरस्कार मानता हूँ जिंदगी में। भाग और कर्म दोनों में बड़ा एक प्रश्न चलता आ रहा है अभी तक कि कौन से कौन बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों ही चीजें बड़ी है, लेकिन भाग्य से कहीं कर्म कहीं आगे बढ़ा है। इस बात में मैं कहना चाहता हूँ कि उसने मेरे छोटे बच्ची इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत आगे बनाई है। आदरणीय पति तलवार जी का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और दुख सुख जिंदगी में आते ही चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन दोनों को स्वीकार करने का मैंने कहा छोटा सा की प्रस्तुत करता हूँ। किसी के पास से गुजरे किसी के पास में ठहरे, कभी तकली छुआ केवल कभी उतरे बहुत गहरे। किसी के पास से गुजरे किसी के पास में ठहरे, कभी तकली छुआ केवल कभी उतरे बहुत गहरे। कभी मुस्कान होठों पर कभी आंखों में पानी है, कभी मुस्कान होठों पर कभी आंखों में पानी है। यही दो जिंदगी यही दो जिंदगानी है। किसी के पास से गुजरे किसी के पास में ठहरे, कभी इस फूल को छुआ कभी उस शूल को डांटा, कभी हम भीड़ से गुजरे कभी ओ हाय सन्नाटा, कभी हम भीड़ से गुजरे कभी ओ हाय सन्नाटा। कभी दिन का उजाला है कभी है रात का मौसम, कभी आंखों ही आंखों में किसी बरसात का मौसम, कभी आंखों ही आंखों में किसी बरसात का मौसम, कभी आंखों ही आंखों में किसी बरसात का मौसम। दुखों का गांव है यही दुखों का गांव है यही सुखों की राजधानी है। यही तो जिंदगी यही तो जिंदगानी है। किसी के पास से गुजरे किसी के पास में ठहरे, ये छंद दिखेगा। कभी चिड़ियों के जोड़े देख कर मन का मुग्ध होना, कभी चिड़ियों के जोड़े देख कर मन का मुग्ध होना, कभी मन के झरोखे से नया चंदा उदित होना, कभी मन के झरोखे से नया चंदा उदित होना। मनाना रूप ना फिर रूप कर चुपके से मन जाना, कभी बनना कभी मिटना कभी फिर मिट के बन जाना।